ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास की मारी अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ कर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोली, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी।